हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। आप इसको डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये हमारी जो मूड क्रेविंग्स होती हैं जब हम डाइटिंग करते हैं, तो हमारा जो डाइट फूड होता है वो हमें ये वेजिटेबल्स ओनली और सैलड्स, इससे हमारी क्रेविंग्स नहीं मिटती हैं। हम लोगों को देखकर सोचते हैं कि काश हम ये भी खा सकें, काश हम वो भी खा सकें। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, ब्राउन ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी ऐसी हेल्दी हेल्दी और यमी यमी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। एक्चुअली मैंने कभी भी व्लॉगिंग नहीं की है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट, थैंक यू। सबसे हेल्दी सैंडविचेस, और आप उसको कह सकते हैं ब्राउन ब्रेड पिज़्ज़ा, बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन। अब इसमें हम, क्योंकि ये हेल्दी टच है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। उसे ब्रश कर लिया, देख सकते हैं बिल्कुल कम कम किया है। अब हम इसमें लेंगे एक ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड को हम इसमें रख देंगे। इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे पहले। अब ये दोनों तरफ से सेक चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चीज। ऐड करेंगे चीज, आप इसमें कोई भी चीज ले सकते हैं, मेरे पास ये रखा हुआ था इसलिए मैंने ये यूज किया है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अनियन, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। इसके अलावा मैं सैलेड बनाती हूँ, इसमें होता है बीटरूट्स होते हैं, टमाटर होते हैं, अनियंस वगैरह और भी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वो भी डाल दिया है, देख सकते हैं। अब हम इसको पहले अच्छी तरीके से पका लेंगे, पहले एक साइड से देन अनदर साइड से इसको अच्छे से पक जाने देंगे। एक साइड से ये पक चुका है, अब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से पकाएंगे। देख सकते हैं इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल हल्का हल्का ब्रश किया था, कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ किया था मैंने, और वो जो ऑयल था वो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ब्रश किया था वो भी लाइट लाइट। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी नहीं है, वेजिटेबल्स हेल्दी हैं और ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का यूज़ हमने किया है, तो आपके लिए ये ऑलरेडी हेल्दी होगा। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स लाइट लाइट सी पक चुकी हैं। पिज़्ज़ा में वैसे भी हमें उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सॉसेस। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे किसान का फ्रेश टोमेटो केचप। आपके पास यदि कोई अनदर सॉस हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, या आपके घर में बना हुआ सॉस है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, और मैगी का भी सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज, ये है डॉक्टर ओटकर का वेज मेयोनीज, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमने इसमें मेयोनीज भी ऐड कर लिया है। अब अगर आप इसमें चाहें तो ऊपर से आप गार्निशिंग कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट से कर सकते हैं, या आपके पास जो जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एंड अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे भी इसमें अच्छा खासा हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। अब इसके अलावा हम इसमें ऊपर से डालेंगे हमारे चाट मसाला, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड किए हुए हैं, इसलिए हम इसमें चाट मसाला ऊपर से ऐड ऑन कर देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, यानी फोर पीसेस में हम इसको ऐड कट कर लेंगे। देख सकते हैं रेडी हमारा ब्राउन ब्रेड पिज़्ज़ा।